हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। अभी आप देख रहे हो, ये है अपनी NS160, ये देख लो, एंड दिस इज BS4। सो भाई लोगों देख लो, अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और अभी हम देखते हैं अपनी बाइक की परफॉर्मेंस की। ये अभी बाइक को ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुके हैं। अपनी ये है 2017 मॉडल बजाज पल्सर NS160। सो दिस इज़ अ नेकेड स्पीड एंड द नेकेड बीस्ट मशीन, क्योंकि भाई बीस्ट क्यों है आप लोगों को पता है भाई, अपनी जो नई वाली E20 वाली है वो 117 से ऊपर नहीं जाती, 117 पे ख़त्म है वो बाइक। बट ये अपनी इसकी टॉप एंड बहुत ज़बरदस्त है और इसका अच्छा खासा टॉप एंड देखने को मेरे को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। तो टॉप एंड तो नहीं अचीव करूँगा क्योंकि भाई अभी हम लोग 2 लोग हैं, तो टॉप एंड का मैं अभी सोचूंगा नहीं। बट परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊँगा इस बाइक की, इतने साल होने के बाद भी क्या चल रही है। अब हाईवे पे आके मैं परफॉर्मेंस टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सिटी के अंदर ब्रेक इतनी मार, ब्रेक ये वो मज़ा नहीं आता चलाने का। हाईवे पे क्या होता है, देखो अपनी बाइक 60-70 70-80 चल रही है और 70-80 में भी ना कोई वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रही है, कोई कुछ फील नहीं हो रहा। छोटी मोटी जो वाइब्रेशन है वो तो चलो आई जाती है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट आप समझो 17 मॉडल से लेके अभी तक काफ़ी पुरानी बाइक हो चुकी है, 6 से 7 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर 46 तो चली चुकी है। तो वो 4,000 किलोमीटर बचे हाफ सेंचुरी के अंदर, तो 4,000 किलोमीटर भी यूँ चल जाते हैं, 4,000 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होते बाइक्स के लिए, तो 50,000 किलोमीटर चलने वाली है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो भाई बाइक में अच्छी है, क्वालिटी का कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोई रेस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू नहीं आया, क्योंकि भाई देखो इस बाइक की ना केयर इतनी होती नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊँ, ये चलाते हैं, इस बाइक को चलाते हैं मेरे फादर साहब, तो भाई अब वो क्या करते हैं, वो इसकी कोई केयर वेयर होती नहीं है, बेचारी एक बार धुलती है जब ये सर्विस पे जाती है बस, और ये ज़्यादा धुलती वुलती है नहीं, ना इसकी सफाई होती है कुछ। तो भाई इसमें जो थोड़े बहुत जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे निशान निशान आए हो, ये तो भाई नॉर्मल मतलब एक कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो चाबी लगती है ना दो, उसकी और दूसरी चाबी है उसके अंदर 3-4 चाबियाँ और है, तो वो यहाँ पर टक 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 बजती रहती है, तो उस वजह से यहाँ थोड़ा पेंट वगैरह भी यहाँ से ख़राब हो गया है। तो ये तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ हो गई है, आप समझ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा वो वाली चीज़ नहीं है कि हाँ यार ये बहुत ही जो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। बाकी बाइक की बात करें भाई, बाइक बहुत सही है, इंजन बहुत स्मूथ है, अभी भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। अभी तक इंजन की बात करें, इंजन में ऐसा कोई मेजर काम नहीं हुआ है। इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम जो है, इसके वॉल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 4-valve इंजन है, सबसे ज़्यादा इसके वॉल्स ज़्यादा लीक होते हैं, तो इसके जो वॉल्स हैं वही इसके बार बार डले हैं। अभी तक इसमें पिस्टन का हेड और कोई क्रैंक्स का ऐसा कुछ भी इस गाड़ी के अंदर अभी तक काम नहीं हुआ है, तो ये एक चीज़ है। बाकी अभी ये क्या है कि अभी मैं इसको जान के आज लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि बाइक अगर मैं लॉन्ग रूट पे एक हाई स्पीड पे चलाता हूँ तो ये बाइक के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि चलती है नहीं, बहुत कम चलती है ये बाइक अभी आजकल। तो मैंने कहा क्यों ना इसको लेके जाया जाए और उसको चेक किया जाए कि इसके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, तो अगर इसमें कुछ कमी मेरे को लगी तो वो कमी एड्रेस करेंगे और उसको सर्विस सेंटर पर ले जाकर रेक्टिफाई करवाएंगे बाइक को। और बाकी मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाई जाए इसके अंदर, जैसे वाइजर हो गया, हैंड गार्ड हो गया, एंड इसके अलॉय इसको पेंट कराया जाए, और तो ये सब छोटा मोटा काम है, मैं सोच रहा हूँ इसमें कराया जाए और कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन बढ़िया सी कराई जाए बाइक के अंदर। आप बताओ कि आप क्या क्या कराना चाहिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के भी डालूंगा। आप मेरे को बताना कि भाई अगर आपको कोई भी वीडियोस वगैरह देखनी है NS से रिलेटेड, कुछ भी अगर आप चाहते हो मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराऊँ तो मॉडिफिकेशन कराते हैं, बट आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कराएंगे और उसका पूरा सीरीज़ बना के चैनल पर भी डालेंगे और बताएंगे भाई बाइक चल कैसी रही है। अभी ये मैं बोलना कि इसमें डुअल डिस्क लगवा दो, क्योंकि भाई डुअल डिस्क लगवाने के लिए बहुत सारा पंगा है, तो स्विंगम वगैरह मेरे को पूरा एक स्विंगम लेकर आना पड़ेगा ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से, और फिर एलॉय भी चेंज होगा, स्विंगम चेंज होगा तो एलॉय भी चेंज होगा, तो ये सब करना पड़ेगा। और टायर तो खाली हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, टायर में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्विंगम और एलॉय तो चेंज मुझे कराना ही पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। बाकी देखते हैं आप, जैसे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें डुअल डिस्क भी करवा दी जाए, तो वो आपका रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, वो अपना रिस्पॉन्स अपना प्यार दिखाओ उसके लिए, तब तब आगे डिसाइड सोचेंगे कि क्या करना है ना। अभी आप इसको परफॉर्मेंस थोड़ा एंजॉय करो, देखो कैसी भाग रही है ना, भागती बहुत बढ़िया है भाई ये बाइक। अभी मैंने लगा दिया इसमें, एक्चुअली 5 गियर आते हैं, तो 5th गियर में आप अच्छी खासा अपनी स्पीड में क्रूज़ कर सकते हो, 80-90 में क्रूज़ कर सकते हो, और हाइट काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी ऊपर बैठोगे आपको लगेगा भाई आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हो, सारी बाइक के नीचे नीचे आप एक अच्छे हाइट पर बैठे हो, तो वो वाली चीज़ है बाइक के साथ। बाकी यार बाइक बहुत सही है भाई, मतलब बहुत रिफाइंड है, अगर आपको देख रहे हो ना कि आप एक सिटी के लिए देख रहे हो और प्लस हाईवे के लिए, तो आप NS160 ले सकते हो, बेटर देन NS125, क्योंकि NS125 में भाई पावर नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो बाइक के अंदर पावर नहीं है बहुत, मतलब 2 लोग बैठ जाना तो उसको पावर इतनी अच्छी दे नहीं सकती, क्योंकि भाई 12 BHP का है और NS का मतलब वो
जो NS का मतलब है ना, वो बाइक को जस्टिफाई कर नहीं पा रही, तो आप नई वाली NS 160 ले सकते हो। उसका वेट भी से कम है और पावर भी अच्छा है। हाँ, टॉप एंड थोड़ा बेकार ज़रूर है, बट बाइक सही है भाई। टॉप एंड अगर किसी को टॉप एंड यार 117 देखो, आप डेली नहीं मारोगे, ठीक है, बट आप क्रूज़ करोगे ना 100 and 110 तक, तो मस्त बाइक है भाई क्रूज़ करने के लिए। और आपको कोई बाइक का आपको फील भी होगा कि बाइक के अंदर ना कुछ भी एज सच वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, मतलब बढ़िया सी पावर आपको फील करेगी NS 160। अब एक काम करते हैं, इसको ना हर गियर के टॉप एंड चेक करते हैं कि हर गियर में टॉप एंड जा कितना रही है ये। तो अब जीरो पे कर लेते हैं, पहले जीरो कर लिया हमने, अब चेक करते हैं कि टॉप एंड कितना जाती है फर्स्ट गियर पे। तो फर्स्ट गियर पे देख लो 46 गई है भाई, 70 इन द सेकेंड गियर, और देखते हैं थर्ड गियर पे कितना जाती है। थर्ड गियर पे 94 थर्ड गियर। अब देखते हैं फोर्थ गियर पे, चेक करते हैं, अभी थोड़ा सा स्ट्रेच मिलता है थे। अब फोर्थ गियर भी चेक कर ही लेते हैं, चलो हंड्रेड, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आगे से, 103, 104, 105, 106 जा रही है अभी, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, और अब दो लोग बैठे हुए हैं बाइक पे इस टाइम, तो उस हिसाब से तो भाई सही जा रही है, 105 जा रही है, आप देख ही रहे हो। और अभी हमने फिफ्थ गियर लगा दिया, फिफ्थ गियर पे टॉप एंड तो मैं चेक नहीं कर सकता, बट बाइक बात वॉक बहुत सही रही है यार, 108 देख लो जा रही है, 101, 104, 105, 108, ठीक है, 111, 113, 114, 115 तक तो ऐसी चली गई, देखते हैं अभी और लेके देखते हैं इसको, 100 मिलेगा आगे फिर भगाते हैं। तो स्ट्रेच आ गया, अभी देखते हैं खींच के इसको कितनी जाती है, 106, 110, 111, 111, 113, 114 भागने दो उसको, 114, 115 जा रही है दो लोगों को बैठाने के बाद भी, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है भाई आगे से, ठीक है, 114 तो जा ही रही है, और अगर मैं अकेला भगाऊंगा ना तो ये आराम से भाई 130-140 मतलब 125-130 से ऊपर आराम से जाएगी। तो भाई 115 से ऊपर नहीं जा रही है, फालतू में बाइक पे जोर नहीं देते, 115 जा रही है, ठीक है, तो भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही है, 115 जा रही है अभी भी है दो लोगों को बिठाने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं परफॉर्मेंस में, बहुत बढ़िया, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है भाई आगे से, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, अगर मैं माइक के अंदर, अगर माइक की आवाज़ ना ख़राब हुई हो, बस मैं यही प्रे करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है भाई। बाकी ये परफॉर्मेंस अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो भाई मेरे चैनल को करते रहे सब्सक्राइब, वीडियो करते रहे लाइक, अपना प्यारा सी बनाए रखना, मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन सी यू, ओके बाय।